नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आज हुई टाटा ट्रस्ट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नोएल टाटा को बोर्ड मीटिंग में निर्विरोध टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन चुन लिया गया। अब नोएल टाटा अपने भाई रतन टाटा की विरासत को संभालेंगे। आपको ये बता दें कि नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं और पहले से ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, जिसकी टाटा सन्स में कुल 66% की हिस्सेदारी है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं मृत्युंजय सिंह के पास। मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय, नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, उसके पीछे की और क्या वजह नजर आ रही है? सबसे पहले तो ये मन में सवाल आया होगा कि कल ही अंतिम संस्कार हुआ रतन टाटा जी का और 24 घंटे के अंदर ही उनका उत्तराधिकारी चुन लिया गया, ऐसा क्यों? इसके पीछे भी रतन टाटा का दिया हुआ मूल मंत्र है, कीप मूविंग, हमें बढ़ते रहना है। जीवन में जो भी चुनौतियां आए, परिस्थितियां आए, बढ़ते रहना है और यही मूल मंत्र टाटा का रहा है। बढ़ते रहना है और इंसान और इंसानियत को हमेशा आगे रखना है। और इसीलिए जब अंतिम संस्कार हुआ उसके बहस 12 घंटे के अंदर ही मीटिंग बैठक बुलाई गई। सबसे पहले एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि बॉम्बे हाउस, जो कि रतन टाटा जी का दफ्तर है या टाटा ग्रुप का दफ्तर है, वहां पर बैठक नहीं थी। ये बैठक कफ परेड इलाके में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 26वीं मंजिल पर, जो टाटा का दफ्तर है 8 आवर में, वहां पर बुलाई गई थी। और उस बैठक में सबसे पहले श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने अपनी बातें रखी और रतन टाटा की जीवनी पर बात हुई और फिर तुरंत एक तत्काल बैठक बुलाई गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। जो टाटा ट्रस्ट बोर्ड की बैठक बुलाई गई उसमें सबसे पहले श्रीनिवासन जो कि उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि नोएल टाटा एक योग्य व्यक्ति है इस पद को संभालने के लिए, उत्तराधिकारी बनने के लिए। और आपको बता दें कि सर्वसम्मति से यूनैनिमस डिसीजन लिया गया कि बिल्कुल नोएल टाटा एक ऐसे व्यक्ति है जो इस पद को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।